अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने मैं और मेरा एक फ्रेंड है जो सेफ्टी वाला, मैंने एक वीडियो बनाया था उसको लेकर, वो हम लोग आज उमरा के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा उमरे का जितना भी वीडियो है मैं आप लोगों को बताऊँगा, कहाँ कहाँ अहराम बांधते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। तो ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे यहाँ पर मीकात बोलते हैं, यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग फ्रेश हुआ, नहाया, नहाने के बाद यहाँ से आपको अहराम बांधना पड़ता है। ये जो हमारे पीछे अपनी सारी जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं लाइन से जो लगी हुई है, ये सारी गाड़ियाँ हाजी लोग को यानी उमरा करने वाले को लेके आए, अलग अलग इलाके से लेके आए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो गाड़ी पर लगी हुई है तो यम्बो से आ रही है। हमारी गाड़ी जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये जितनी भी गाड़ी है सारी हाजी लोग के लिए है, उमरा वाले के लिए है। तो और यहाँ पर आधा घंटा एक घंटा रुकती है, उसके रुकने के बाद ये फिर यहाँ से सफ़र आगे के लिए बढ़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमरा पर मैं जा रहा हूँ, तो अभी मैंने अहराम बांध लिया है। अहराम बांधने के बाद थोड़ा सा देखता हूँ कि होटल में क्या खाने के लिए है, और कुछ खाऊंगा खाने के बाद। अगर कुछ इंतज़ाम खाने का नहीं रहा तो इंशाल्लाह मैं बस पर बैठ जाऊँगा। बस पर बैठने के बाद फिर आगे का सफ़र के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को मनाता रहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी हाजी या उमरा करने के लोग हैं यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद सारी बसें यहीं पर खड़ी होती है। अगर आप यम्बो से आ रहे हैं तो हर जगह का, हर रूट का अलग अलग मीकात होता है। मीकात का मतलब वो इसी जगह ठहराओ जहाँ अहराम बांधा जाए। तो यहाँ पर पूरा इंतज़ाम रहता है, मेन मर्द लोग का अलग से इंतज़ाम रहता है, और जेंट्स लोग और लेडीज़ लोग का अलग से इंतज़ाम रहता है। अंदर ही में एक मस्जिद है, उसके बाद आपको अहराम बांधने के बाद दो रिकात नफिल पढ़ा जाता है। नफिल पढ़ने के बाद आप लोग फिर यहीं पर होटल का भी इंतज़ाम है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बताऊँगा किस तरह यहाँ मैं चला हूँ, किस तरह उमरा के दरमियान में क्या क्या होती है, जो जो अरकान है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा।